एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने कुछ समय पहले वाराणसी के एक होटल में आत्महत्या कर ली थी। परिवार वालों ने आकांक्षा के बॉयफ्रेंड समर सिंह को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। समर सिंह इस वक्त जेल में है और अब आकांक्षा का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिस वीडियो को कोर्ट में सबूत के साथ पेश किया जाएगा और ये वीडियो अपने आप में कन्फर्म करता है कि आकांक्षा की मौत के लिए जिम्मेदार समर सिंह ही है। ये वीडियो आकांक्षा का है। आकांक्षा इसमें रोती नजर आ रही है और कह रही है कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गलत किया, मुझे अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए समर सिंह जिम्मेदार है। आकांक्षा खुद टेस्टिफाई कर रही है कि उन्हें अगर कुछ भी होता है तो समर सिंह उसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा आकांक्षा की एक और फोटो सामने आई है जिसमें आकांक्षा बुरी तरह से जख्मी नजर आ रही है, उनकी आंख के नीचे काला काला नजर आ रहा है और आंख सूजी हुई है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आकांक्षा के साथ बुरी तरह पिटाई कर दी हो और ऐसी ही ये फोटो अब वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि आकांक्षा के केस को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से ये वीडियो और फोटो जारी की गई है और इसे ही कोर्ट में अब सबूत के रूप में पेश किया जाएगा, क्योंकि इस वीडियो से अपने आप में कन्फर्म होता है कि समर सिंह ही उसकी मौत के जिम्मेदार है। मैं नहीं रह रही हूँ इस दुनिया में, ये मेरा आप लोगों से लास्ट अपडेट है। मेरा अगर कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार समर सिंह है, कुछ नहीं। मेरे को अगर कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार समर सिंह है। बस आकांक्षा दुबे की इस वीडियो के वायरल होने के बाद आकांक्षा की मदर ने थोड़ा संतोष जताया है और उनका मानना है कि इस वीडियो को कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट भी मानेगा कि समर सिंह ही आकांक्षा की मौत के लिए जिम्मेदार है। और मदर का कहना है कि केस सिर्फ समर सिंह नहीं बल्कि 9 और लोग हैं जिनके खिलाफ है। उन लोगों ने पूरी गैंग बनाई थी आकांक्षा को मारने के लिए, जिसमें होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स और होटल का मैनेजर भी शामिल है। अभी इन सबको भी गिरफ्तार करो और इनके खिलाफ एक्शन लो। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा नाम थी और बहुत ही तेजी से वो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही थी। काफी कम समय में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और अचानक से जब आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया तो इसने सभी को हैरान कर दिया। सुसाइड करने से पहले आकांक्षा इंस्टा लाइव पर आई थी और वो रोती नजर आई थी।